आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, इलाहाबाद से आदित्य यादव की खास खबर पर एक नजर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजन जता रहे हत्या। गंगापार में मऊआईमा थाना के मलखानपुर गांव निवासी महेंद्र पटेल, उम्र 28 वर्ष, पुत्र गणेश प्रसाद, गांव से कुछ दूर बाजार में बने कमरे में सो रहे महेंद्र कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों ने आवाज लगाई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया न आने पर पड़ोसियों ने परिजन को सूचित किया। सूचना पर पहुंचे परिजन शटर तोड़कर अंदर प्रवेश कर देखा तो महेंद्र की मौत हो चुकी थी। परिजन आनन फानन में लाश को लेकर घर पहुंचे और रोना पीटना शुरू कर दिए। किसी ने इसकी सूचना मऊआईमा पुलिस को दी। सूचना पाते ही मऊआईमा थाना प्रभारी रामचंद्र यादव ने अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचे परिजन लाश ले जाने से मना कर दिया। भीड़ देख कर मऊआईमा प्रभारी रामचंद्र यादव ने अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे सीओ सोराव जितेंद्र गिरी, एसपी गंगापार सुनील कुमार सिंह, एसडीएम सोराव नागेंद्र सिंह पटेल, सांसद फुरपुर। आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा।